ये मेरे पीछे एरोप्लेन है तो अंदर इसके अंदर रेलवे स्टेशन भी है, उधर वो ट्रेन खड़ी। गाइस अभी मैं मंदिर के परिसर में हूँ और अभी आप देख सकते हैं सामने, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो खाटू श्याम अंदर विराजमान है। गाइस जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ इसी रास्ते से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ खाटू श्याम मंदिर में, जस्ट जैसे कि आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा आपको जो सामने है बिल्कुल। और अभी मैं बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ जहाँ खाटू श्याम विराजमान हैं, वहीं पर हूँ मैं अभी, और अभी आपको दर्शन भी कराता हूँ। तो जल्दी से फटाफट से जय श्री श्याम खाटू श्याम। तो हेलो नमस्कार सत्यकालम राम राम की हाल चला भाई आप सभी के। तो भाई नई वीडियो के साथ में आप सभी का स्वागत है, और अभी सुबह के बज रहे हैं 6, और अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ नोएडा के 63 सेक्टर में जहाँ शनि मंदिर है, वहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ हाईवे पर। ये मेरे पीछे हाईवे, यहाँ खड़ा हुआ हूँ अभी, और अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ दिल्ली आनंद विहार के लिए। ऑटो का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है अभी यहाँ से आनंद विहार, आनंद विहार से मैं बस से जाऊँगा, बस पकड़ूँगा आनंद विहार से जहांगीरपुरी अलीपुर रोड, तो मैं वहाँ से बस ही पकड़ूँगा। जाने के लिए मैं मेट्रो से भी जा सकता हूँ बट मैं बस से जाना चाहूँगा। तो फिलहाल मैं अभी ऑटो का वेट कर रहा हूँ, और ये मेरे पीछे हाईवे है, मैं शनि मंदिर पर ही खड़ा हूँ। ये राजकुमार है मेरे पीछे दोस्तों। हाँ, तो अभी हम दोनों ऑटो का वेट कर रहे हैं, अभी ऑटो आने वाला है और फिर निकलते हैं और सीधे मिलते हैं आनंद विहार। जय श्री श्याम खाटू श्याम। तो गाइस फिलहाल अभी मैं आ गया आनंद विहार बस स्टॉप पे, और अभी मैं यहाँ से पकड़ूंगा बस, तो बस पकड़ूंगा मैं, डीटी से बस चल रही है, आप चाहो तो मेट्रो से जा सकते हो, फिलहाल मैं बस पकड़ूंगा अभी, ठीक है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप के पास, वहाँ से मैं पकड़ूंगा बस। तो गाइस अभी मेरे पीछे इधर डीटीसी बस आप देख रहे हो ना, वो डीटीसी बस मेरे को पकड़नी है भाई। तभी अभी मैं पीछे जो आप बैकग्राउंड में मेरे देख रहे हो ना, वो आनंद विहार का मेट्रो स्टेशन है। फिलहाल मैं इससे नहीं जाने वाला हूँ, जहाँ से मेट्रो मिल जाएगी आपको किधर, तो यहाँ से आपको मेट्रो मिल जाएगी जहांगीरपुरी, तो अब यहाँ से मेट्रो से जा सकते हैं, बट मुझे आज जाना है बस से। तो मैं अभी आपको ना अगर सामने अगर दिखाऊं मैं बैक कैमरा करके, तो बिल्कुल जस्ट सामने काफी सारी बसें खड़ी हैं बस स्टॉप पर। गाइस ये सामने बस स्टॉप है, आप यहाँ से बस पकड़ लेना, और ऑटो चाहिए तो ऑटो भी आप यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से आपको 271 या फिर 323 नंबर की बस पकड़ लेनी है, जो कि जहांगीरपुरी बुराड़ी बाईपास आपको उतार दे। तो गाइस अभी मैं फाइनली बस से उतर चुका हूँ, और मैं अभी अलीपुर रोड पर ही खड़ा हूँ। यहाँ एक पीछे मेरे आप पीछे देख रहे हैं तिराया है, यहाँ मैं बस से नीचे, मेरे पीछे आपको ये ट्री रिक्शा दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे एक तिराया है, यहाँ पे मैं उतरा था, और यहाँ से आगे को मैं जाऊँगा अभी, ये मेरे पीछे बैक साइड में अभी मैं यहाँ से जाऊँगा। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खाटू श्याम मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस हम यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी में पैदल तय करूँगा, ताकि आप लोगों से भी बातें करता चलूँ और आपको दिखाता भी चलूँ। दोस्तों ये रास्ता जाता है खाटू श्याम मंदिर, 1.5 किलोमीटर का सफ़र मैं पैदल तय करूँगा इसी रास्ते। गाइस आपको एक मशवरा देता हूँ मैं, कि आप जब भी इधर आओ तो वाया रोड मत आना, वाया मेट्रो से आना, क्योंकि बस से आने में ना काफ़ी दिक्कत महसूस हुई मेरे को, काफ़ी जाम जूम लगा हुआ रोड पे और काफ़ी टाइम लग गया आने में। अगर आप मेट्रो से आओगे तो जल्दी भी आ जाओगे और दर्शन अच्छे खासे हो जाएंगे। तो गाइस मैंने जो बस पकड़ी थी आनंद विहार से वो थी 333 नंबर की, और मैं आज़ादपुर मंडी उतर गया था, क्योंकि वहीं तक बस थी, वहाँ से मैंने अलीपुर के लिए वहाँ से बस पकड़ी। तो दोनों जगह का किराया ना 15-15 रुपये की टिकट पड़ी मेरे को, 15 रुपये की आनंद विहार से टिकट जो थी वहाँ तक की, आज़ादपुर तक की वो थी 15 रुपये की, और आज़ादपुर से अलीपुर तक की टिकट पड़ी थी मेरे को 15 रुपये की, टोटल 30 रुपये। जो दोस्तों फाइनली मैं मंदिर पर पहुंच गया हूं, और आप जैसे देख रहे हैं ये बोर्ड देख रहे हैं, ये बिल्कुल हाईवे के किनारे पर मंदिर बना हुआ है खाटू श्याम, श्री खाटू श्याम का, और इधर हाईवे निकल रहा है ये, और मैं भी मंदिर पर पहुंच गया हूं। दोस्तों आपके जूता चप्पल और बैग आपके यहां जमा करने पड़ेंगे, और इधर आपको पानी की टंकी भी मिल जाएगी हाथ धोने के लिए। दोस्तों मैंने मंदिर में एंट्री कर ली है मेन गेट से,
और आपको भी इसी रास्ते से एंट्री करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो काफ़ी लंबा रास्ता बना रखा है, काफ़ी जगह है। यहाँ से क्या लेना पड़ेगा भाई? चरण चिन्ह प्रवेश द्वार। दोस्तों सबसे पहले आपको चरण चिन्ह के दर्शन होंगे जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले चरण चिन्ह के दर्शन आप करेंगे यहाँ पर आकर। तो गाइस अभी मैं खाटू श्याम मंदिर के अंदर आ चुका हूँ, तो एक बार कमेंट में जय श्री श्याम खाटू श्याम आप अवश्य लिखें। और अभी आपको हम एक नजर दिखाएंगे खाटू श्याम बाबा के दर्शन, और आगे चलते हैं देखते हैं क्या है आगे। अभी हम चल रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को ना फटाफट लाइक शेयर कर दें, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आप जब थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको यहाँ छोटी सी एक मार्केट मिलेगी, दो चार दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप अपना प्रसाद ले सकते हो चढ़ाने के लिए। जय श्री श्याम खाटू श्याम महाराज। तो गाइस हम कर रहे हैं एंट्री अभी। काफी लंबा चौड़ा बना रखो यार। दोस्तों यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, सामने विराजमान है खाटू श्याम महाराज। कैमरा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, और चलते हैं अभी आगे देखते हैं, दर्शन आपको सही से कराऊंगा। दोस्तों जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तब आपको यहाँ पर शक्तिपीठ मिलेगी आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं अष्ट धातु से बनी हुई ये शक्तिपीठ है। यहाँ पर अपनी मुराद मांग सकते हैं, पूरी कर सकते हैं यहाँ पर। हम बढ़ते हैं अब आगे थोड़ा सा। दोस्तों इस मंदिर की खास बात ये है कि ये काफ़ी जगह में बना हुआ है, और ये दो ट्रक छोटे छोटे, ये सामने आपको मंदिर दिखाई देगा, खाटू श्याम जी वहाँ विराजमान हैं, आप दर्शन कर लो। और अभी पास में ले जाके भी आपको दर्शन कराऊंगा, देख सकते हो। मैंने सोचा था यहाँ पे काफ़ी भीड़ मिले। गाइस अभी मैं आ गया हूँ खाटू श्याम मंदिर में, जस्ट जैसे कि आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा आपको जो सामने है बिल्कुल। और अभी मैं बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ जहाँ खाटू श्याम विराजमान हैं, वहीं पर हूँ मैं अभी, और अभी आपको दर्शन भी कराता हूँ। तो जल्दी से फटाफट से जय श्री श्याम खाटू श्याम कमेंट में। दोस्तों कमेंट में आप जय श्री श्याम अवश्य लिखें, फटाफट लिखें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और आपको अभी मैं एकदम पास से दर्शन करा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पास में लाके आपको श्री श्याम खाटू श्याम के दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर भवन बनाया है, काफ़ी अच्छा है। और ये खाटू श्याम जी आप दर्शन कर सकते हो आराम से, और यहाँ अपना चढ़ावा चढ़ा सकते हो, अपनी मन्नत मांग सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छा मंदिर बना रखा है, काफ़ी अच्छा खाटू श्याम का। आपको पूरा मंदिर घुमा के दिखाऊंगा। दोस्तों अब बढ़ते हम आगे, मंदिर के पीछे हो गए, हमें निकलना होगा, पीछे से रास्ता बना रखी है, यहाँ से हमें निकलना, पीछे सेल्फी पॉइंट बना रखा है ये मंदिर के पीछे, तो यहाँ आप सेल्फी ले सकते हो। गाइस मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, क्योंकि मंदिर काफ़ी जगह में बना हुआ और काफ़ी बड़ा मंदिर है, ठीक है। और अभी मेरे पीछे मतलब अगर आप यहाँ सवारी करना चाहते हो ना, तो मतलब ऊँट भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। गाय यार ये बड़ा मूड ख़राब कर रहे हैं, देखो ये बैठे वहाँ कह रहे हैं फ़ोटो खींच लो, पहले कह रहे हैं फ़ोटो ले लो यार, ठीक है। और उधर मेरे पीछे जो एरोप्लेन जो दिखाई दे रहा है ना, उसके पास भी चलते हैं, और ऊँट की सवारी भी मिल जाएगी। काफ़ी लंबा चौड़ा खूब बना रखा भाई, और ये खाटू श्याम धाम मंदिर ये पीछे भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भी चलते हैं गाइस, दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है, क्यों राजकुमार? बहुत मस्त जगह है, आज हम पहली बार यहाँ आए हैं, हमें इतना आनंद आ रहा है कि हम बता नहीं सकते कि कितना हमें अनुभव हो रहा है कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ। गाइस आप एक बार अवश्य यहाँ आना दर्शन करने के लिए।
तो आपको ना काफ़ी अच्छा महसूस होगा यहाँ पर, काफ़ी जगह बड़ा रखो, अच्छी जगह है। अभी आने वाले टाइम में ना यहाँ पर देखें फिर बस। यहाँ पे आपको मिलेंगी देवी देवताओं की मूर्तियाँ, और इधर अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा तो ये स्टेज बना रखी है प्रोग्राम करने के लिए, जो जागरण वगैरह होते हैं वो प्रोग्राम करने के लिए। और इधर ये आपको एक सेल्फी पॉइंट और मिलेगा मंदिर के पीछे, जब आओगे आप तो ये भी सेल्फी पॉइंट है। और इधर थोड़ा सा अगर आगे बढ़ोगे तो इधर आपको मिल जाएगा एयरपोर्ट रेस्टोरेंट्स। गाइज सॉरी गाइज, आपको एयरपोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एरोप्लेन भी नज़र आ जाएगा। ये मेरे पीछे एरोप्लेन है, यहाँ आप उसको देख सकते हैं। और ये मेरे पीछे एक शायद गौतम बुद्ध की मूर्ति काफ़ी बड़ी बना रखी है। और अगर आप इधर देखोगे तो अंदर इसके अंदर रेलवे स्टेशन भी है, उधर वो ट्रेन खड़ी हुई है पीछे। अरे मैं आ गया इसके नज़दीक, खाटू श्याम दिल्ली धाम, सामाजिक समरसता का प्रतीक है, समरसता। हाँ, और इधर ये भाई एरोप्लेन, और उधर रेलवे स्टेशन, इधर भाई देखो कितना बड़ा है, खुली जगह है एकदम, गौशाला भी है। और ये इधर गौशाला भी आपको मिल जाएगी देखने को। यहाँ आपको दर्शन होंगे शिवलिंग, शिवलिंग के दर्शन होंगे आपको। दोस्तों ये है सिग्नेचर ब्रिज, जो कि ये मंदिर के अंदर ही बना रखा है। और इधर कुछ पत्थर वगैरह पड़े हैं, जो कि आप घर वगैरह जो बनाते हैं वो शायद, मुझे पता नहीं है, इतना कंफर्म नहीं है। और इधर ये काफ़ी अच्छा डेकोरेशन कर रखा है। अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह बना रखे हैं, आप यहाँ पर कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि अपना बाहर का खाना नहीं ला सकते, अंदर से ही आपको खाना पड़ेगा। और इधर ये झूला भी है इधर, और ये नकली पौधे हैं भाई साहब, नकली। आपको यहाँ बैठने का रास्ता मिल जाएगा, आप यहाँ से जब घूमकर आओगे सारे मंदिर में तो आप यहीं पे लौट के वापस आओगे, और यहाँ से आपको अंदर बैठने के लिए जगह मिल जाएगी, आप यहाँ आराम से बैठ सकते हो और आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो। बिल्कुल सामने आपको जो दिख ही रहे होंगे खाटू श्याम महाराज, आराम से दर्शन करो यहाँ बैठ करके। और ये यहाँ की लोकेशन है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो गाइस पूरे मंदिर का मैंने आपको दर्शन करा दिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री श्याम कमेंट में लिखना।